अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल इंतहाई इजी इंग्रेडिएंट के साथ और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद उस्मा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें जिन जिन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ हमने लिया है, इसे धो लिया है अच्छी तरह, दो अदर सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, दो अदर टमाटर कटे हुए, एक कप ऑयल, दो अदर प्याज बारीक कटी हुई और दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक और एक चम्मच हमने लिया है पिसा हुआ पिसी हुई मिर्च ली है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लेम ऑन कर लें। इसमें कटी हुई प्याज डाल दें मैंने प्याज ऐड कर दिया है। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसे ब्राउन करें, लाइट ब्राउन कलर करना है। 5 मिनट तक इसे पकाएं। देखें प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब इसे भून लें अदरक लहसुन के पेस्ट को। टमाटर ऐड करते हैं। दो अदर टमाटर थे बारीक कटे हुए, इसको 2 मिनट के लिए भून लें ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। इसे बराबर चलाते रहें। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। यह नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर ये ऐड कर, थोड़ा सा अंदर पानी ऐड करें। इसको हिलाते जाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाएं ताकि हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। Thank you.
चम्मच चलाते जाएं। अब 2 मिनट हो गए हैं मसाला भूनते हुए, अब हम इसमें दाल ऐड करते हैं। अब इसे भून लें, अच्छे से मिक्स कर लें, इसे 5 मिनट के लिए भून लें ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैंने दाल को अच्छे से धो लिया था, 3-4 दफ़ा दाल को धो लें अच्छे से ताकि इसमें जितनी भी डस्ट है सारी दूर हो जाए। उसके बाद इसे भगो के रख दें, 15 मिनट के लिए दाल को मैंने भगो के रखा। फिर भी मैंने इसे पकाने के लिए शुरू की। इसे 5 मिनट के लिए हमने भून लिया है, ये अच्छी से मैंने भून के रख ली है। अब इसमें पानी ऐड करते हैं, इसमें 2 ग्लास पानी के ऐड करें। अब इसे हिला लें अच्छे से। अब इसे के लिए ढक के रख देते हैं, मैं आपको 5 मिनट बाद मिलती हूँ। ये हमारे दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, बस हल्का हल्का है इसके अंदर, और तकरीबन 11 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। इसे मैंने ढक के मीडियम आंच पर पकने के लिए रख दिया था। इसे 2 मिनट और लगवा लेते हैं ताकि पानी अच्छा सा खुश्क हो जाए और आइस का आयल ऊपर आ जाए। हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देते हैं। ये देखें बिल्कुल घर के मसाले यूज़ करती हूँ मैं, बाहर का मसाला बिल्कुल यूज़ नहीं करती। बहुत मज़े की बनती है और ये हेल्दी भी होती है, घर का मसाला हेल्दी होता है। डिब्बे वाले मसाले बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती, बड़े मज़े की बनती है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं, पिसा हुआ तकरीबन 1 चम्मच। अब इसे मिक्स कर लें। पहले मैं अपने से बाउल में डालती हूँ, कि रेडी है कि पक के रेडी होगी है। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी है। हमारी डिलीशियस माश की दाल बनके तैयार है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।